मुंबई बोरीवली पश्चिम का यह मैदान ऐतिहासिक मैदान के रूप में तब्दील होने वाला है, जिसका कम 36 घंटे का इंतजार और लोगों को करना पड़ेगा। दरअसल यह स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे नाम से जो है संबोधित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन कल सांसद गोपाल सेट्टी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यहाँ मौजूद रहेंगे, लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं द्वारा एक आह्वान किया जा रहा है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस ऐतिहासिक क्षण में शामिल होइए, जिसके लिए अमर भाई ने एक मिनी मैराथन किया है, जिसमें तमाम देख रहे हैं युवा भाग लिए हैं। और इनका संदेश है कि इस ऐतिहासिक पल में आप सब लोग शामिल होकर ऐतिहासिक पल का जो है साक्षीदार बनिए। अमर भाई, क्या कुछ संदेश दे रहे हैं युवाओं को? युवाओं को और पूरे बोरीवलीकर को आज एक बहुत बड़ी सौगात। कल 22 तारीख को शाम को स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे क्रीडांगण के रूप में सन्मान्य खादर गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में और उनके प्रयासों से मिलने वाली है। तो हम बोरीवलीकर को सभी को आह्वान करते हैं कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में इस अपनी जो हमें ये जो सौगात मिली है उसमें उपस्थित रहे, और आने वाले दिन में युवाओं को बड़े बुजुर्गों को के लिए ये जो भूखंड है जो हेल्थ के लिए फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खेलो इंडिया को बढ़ाने के लिए बहुत काम में आएगा और इसमें शामिल हो इस बड़ी से बड़ी संख्या में। सांसद जी गार्डन सम्राट के तौर पे जाने जाते हैं, जिस तरह से उत्तर मुंबई में देखा गया सबसे ज़्यादा गार्डन है, सबसे ज़्यादा प्लेग्राउंड है, और एक और प्लेग्राउंड जो है ऐतिहासिक जो है धरोहर के रूप में जाना जाएगा। सांसद जी के बारे में क्या कहेंगे? सांसद जी देखिए, हम उनको कार्य सम्राट सांसद कहते हैं, जिन्होंने उत्तर मुंबई को खाली प्लेग्राउंड की सौगात नहीं दी है लेकिन बहुत सारी सौगात है। मतलब एक छोटे से छोटा आदमी अगर कोई भी समस्या लेके जाता है तो उसको पूरा करने का काम हमारे सांसद जी करते हैं। और उन्होंने उत्तर मुंबई, उनकी एक विशेषता रही है कि उन्होंने, उनका विजन था कि जहाँ जहाँ प्लेग्राउंड्स हैं वो डेवलप होने चाहिए, लोगों की सुविधा में आने चाहिए, और खाली सुविधा में नहीं, उन्होंने सब फैसिलिटीज़ के साथ में। अभी मैं आपको ऐसा कहूँगा कि वो खिलाड़ियों के बारे में क्या सोचते बताता हूँ कि जैसे कि थोड़े दिन पहले स्वर्गीय प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन में कबड्डी की टूर्नामेंट रखी गई थी पोईसर जिमखाना और संयुक्त खासदार चषक के नाम पे, उसमें उन्होंने जो खिलाड़ी आते थे कबड्डी के लिए उनको खेलना तो ठीक था लेकिन साथ में प्रति खिलाड़ियों को 500-500 रुपये का मानधन भी दिया गया था ताकि उनको आने जाने में और उसमें सहूलियत हो और ये खेल को प्रोत्साहन करने। तो हमारे सांसद जी का ये विजन है कि छोटी से छोटी बात को ध्यान में रख के और उसको कैसे लोगों के तक ये मूलभूत सुविधाएं पहुँचाएं। तो बिल्कुल 15 एकड़ की इस भूखंड पर तमाम लोगों की तमाम सुविधाएं दी गई है, खासकर बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों को भी सुविधा दी गई है। जैसा कि जानकारी है कि 1 किलोमीटर तक वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है, इसके बाद बच्चों को खेलने के लिए तमाम इंस्ट्रूमेंट मेरे पीछे लगाए गए हैं। खास बात यह है कि इस ऐतिहासिक मैदान का नाम स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का नामकरण कल कर दिया जाएगा। कल शाम को 6 बजे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और तमाम युवा खिलाड़ी यहाँ मौजूद रहेंगे, उनकी उपस्थिति में यह ऐतिहासिक पल यादगार हो जाएगा। यही वजह है कि आज तमाम युवा यहाँ इकट्ठा होकर एक संदेश दे रहे हैं कि इस ऐतिहासिक पल में शामिल होकर इस पल का जो है साक्षीदार बनिए। खासकर एक संदेश भी दिया जा रहा है कि तमाम युवा जो खिलाड़ी हैं वो इस पल में जुड़े और लगातार सांसद गोपाल सेट्टी के द्वारा
किए गए इस कार्य को सराहनीय बनाए।